हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एक पेन ड्राइव को रैम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी एक पेन ड्राइव को रैम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये किस केस में यूज आता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एक सॉफ्टवेयर है या फिर कोई आप गेम खेलना चाहते हैं जिसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट 8GB है, लेकिन आपके सिस्टम की रैम 4GB है, तो आप उस गेम को अपने पीसी में अच्छे तरीके से नहीं खेल पाएंगे या फिर आप सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से नहीं यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। नंबर वन, या तो अपने पीसी में रैम को एक्सपेंड करा लें यानी नई रैम लगा लें, या फिर अपनी एक पेन ड्राइव को एज अ रैम यानी एज अ वर्चुअल रैम यूज कर लें। देखिए इससे आपको अपने पीसी के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेंगे परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन इससे हमारे लिए यह हेल्प हो सकती है कि आप उस गेम को या सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इजीली रन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपनी एक पेन ड्राइव को रैम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए तो मॉर्फिक पीसी नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको अपने पेन ड्राइव को अपने पीसी में लगा लेना है। मैंने पेन ड्राइव लगा ली है अपने पीसी में। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको अपने माई पीसी के सेक्शन में जाते हुए यहाँ पर आ जाना है और आपको एक पेन ड्राइव, अपनी जो पेन ड्राइव है उसको फॉर्मेट करना है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट करना है, लेकिन मैंने ये पेन ड्राइव ऑलरेडी फॉर्मेट कर ली है। फॉर्मेट करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करते हुए पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहाँ पर आपको एक रेडी बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसी ऑप्शन से आप अपनी पेन ड्राइव को एज अ रैम, एज अ वर्चुअल रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाना है और आपको यूज दिस डिवाइस पर ओके कर देना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कितना स्पेस आप एज अ वर्चुअल रैम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 4GB का कर दिया है। देन आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपके पेन ड्राइव के अंदर 4GB का स्पेस कवर कर लिया गया है। तो इस तरीके से आपने जाना कि आप अपनी पेन ड्राइव को एज अ रैम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल हो सकती है आपके पीसी के लिए। तो कैसी रही आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।